जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम आपको ऐसा मामला दिखाएंगे जहां पे एक पूरा परिवार राजभवन के समीप धरना स्थल पे मौजूद है और धरना दे रहा है। उनका कहना है कि मुझे गोली मारा गया है और विजुअल के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि महिला अपना जख्म दिखा रही है। और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि जमीन विवाद में उनके परिवार के एक एक सदस्य को गोली से उड़ाया जा रहा है, अब मुझे निशाना बनाया जा रहा है और मेरे जमीन को किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, आइए सुनते हैं। प्रशासन वहाँ गए तो डीएसपी सर 5 बजे के लगभग मिले, तो वही मम्मी गई तो हम जा रहे थे तो बोला गया, एक लेडीज थी वहाँ पर, वो बोली कि आप मत जाइए, वहाँ के पुलिस लोग भी बोले कि आप मत जाइए। तो हम क्यों ना जाए, मेरी मम्मी के साथ हुआ तो हम क्यों ना जाए, तो जाने भी नहीं दिया, गेट पे हमको रोक दिया गया तो हम नहीं गए। तो मेरी मम्मी को वहाँ अंदर में बोल रहा है कि मिस फायर हो गया, ये हो गया, मतलब अपने आप में गोली चलाएगी, मिस फायर हो गया, पैर में क्यों लगा, छाती में क्यों नहीं लगा, ऐसे वैसे 2-3 बार पूछा गया। तो फिर आ गई, फिर भेजा गया, फिर बाहर बैठी तो हमसे बोली ऐसे वैसे, तो हम बोले कि गाड़ी ले लो और चलो, तो ये बोली कि डीसी सर के पास दे दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप ही को गोली लगी है सुनने में आया। चंचला देवी है, मेरा नाम चंचला देवी, घर चट्टीवारी आटू, थाना के रेड़ी, जिला हजारीबाग। 11 तारीख को मेरे ऊपर घटना हुआ, गोली चला है 12:20 में। ले गया उठा करके आधा रास्ता ले गया उन लोग, तो एम्बुलेंस घर से आई, एम्बुलेंस में उन लोग लोड कर दिए हमको, थाना गए, थाना में वहाँ पे नहीं, हॉस्पिटल में ही, मतलब टंडवा हॉस्पिटल में ही हमको सादा व्हाइट पेपर में सिग्नेचर लिया गया, 2 व्हाइट पेपर में, हाँ। उसके बाद हमको रेफर कर दिया गया रांची में, थाना में अजीब सवाल, प्रशासन के तरफ से हमको जी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिला? कुछ भी अभी तक मदद नहीं मिला और अजीब सवाल प्रशासन की तरफ से हमको मिला है। अच्छा। गोली के मतलब जो गोली लगी उस विषय में नहीं, कुछ और मैटर में, जैसे घर का मैटर में हो गया, जो गांव वाला मतलब जो जिसका जिसका हम नाम दिए थे, सुंदर गुप्ता, हिमन्नू गुप्ता का और भोला गुप्ता, इन लोग सबसे प्रशासन पैसा खा लिया है और अजीब सवाल हम ही से कि मिस फायर हो गया क्या, जो मेरे साथ में गाड़ी चला रहे थे उससे पूछ रहे थे मिस फायर हो गया क्या, सुनील कुमार सोनी से कि मिस फायर हो गया क्या, तो तुम शादी कर लो, मतलब ये गोली लगी है ये मैटर नहीं देख रहे हैं, मतलब उनका जरूरी था कि तुम शादी कर लो। और हम राजपाल महोदय से हम यही विनती करना चाहते हैं कि हमको NIA जाँच हो, सुरक्षा मिले, मेरा जमीन का NIA जाँच हो, सुरक्षा हमको मिले। तो आपने साफ तौर पर सुना महिला को कहते हुए कि किस तरीके से उनके जमीन को लूटा जा रहा है और जब वो प्रशासन के पास जाती है तो प्रशासन मजाक उड़ा देते हैं, प्रशासन ये कहती है कि शादी कर लो। बताओ, यहाँ पे कोई इंसान अपने जमीन और गोली कांड को लेकर जाता है, प्रशासन कहती है आपको शादी कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे भूमाफिया और ऐसे प्रशासन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना जनता का भरोसा उठते चला जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।